मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक रेगुलर डायनेमिक प्रोग्राम है। अभी मैंने 3:30 बजे जब अपना सेशन चल रहा था तभी आंकड़ा देखा था, उस समय 44,10,000 एकड़ उसमें दर्ज हुआ था और अब ठीक 1 घंटा 20 मिनट के बाद ये 44,13,000 हो गया। 3,000 एकड़ का डाटा अभी 1 घंटे में हुआ है, 1 घंटे में। ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और एक बात और, इसमें हर किसान को जो जाके दर्ज करता है उसको पैसा हम किसान को भी देते हैं और जो CSC यानी अटल सेवा केंद्र है उनको भी देते हैं दर्ज करने का। और कोई किसान नहीं भी कर पाएगा आखिर तक, क्योंकि फसल की अब कटाई के बाद तो उसका अर्थ नहीं है, कटाई से पहले पहले दर्ज करना होता है। इस कटाई से पहले पहले जो बाकी ज़मीन रह गई है उस सारे का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो अपना डाटा भी इकट्ठा करेंगे, सबको मिला करके हम चाहेंगे कि धीरे धीरे, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है, दूसरी फसल तीसरी फसल है ये, हम चाहेंगे धीरे धीरे किसान को एक आदत लगे कि वो हर 6 महीने में उस पर क्या बोया है क्या नहीं बोया है, खाली है तो खाली लिखे, उससे बहुत से एनालिसिस बहुत सी प्लानिंग बनाने का काम, उसका कहीं कोई मुआवजा होता है, कोई फसल खराब हो गया तो उसका उसको लाभ मिल सकता है। बहुत लिटिगेशन झंझट है बैंकों के साथ, उसकी प्रोक्योरमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में जैसे मैंने बताया कि हम MSP पर सारी फसल खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदती हम कोशिश करेंगे वो भी खरीदने का प्रबंध करें, लेकिन वो तभी होगा जब हम उसको यानी हरियाणा के किसान तक हम सारा कुछ सेट कर लेंगे, अन्यथा वो सारी चीज़ें पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान, UP का किसान वो यहाँ करके करेगा। हम चाहते हैं अपने किसान को लाभ देना, केवल मात्र इतनी बात कि वो डाटा उसका ना ले सकें। डाटा लेना तो एक सरकारों का काम होता है, डाटा सारा जितना बढ़िया होगा जितना गोल्डन होगा उतना ही किसान को लाभ होगा, ये मेरा कहना है।